फाइनल लुक इसका रहने वाला है वो आपको बहुत जल्द वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी गाइस मेरा मोस्टली काम हो चुका है खत्म, अब इसको करते हैं जल्दी से। हैप्पी एंगेजमेंट डे जाना अब जल्दी से उठ जाओ, एंगेजमेंट में आज भी लेट हो जाओगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है ना सुबह का टाइम हो रहा है और हो रहे हैं 5:50 और गाइस आज है 27 अक्टूबर। तो आज के दिन हुई थी हमारी एंगेजमेंट, तो आज का दिन है एंगेजमेंट डे हमारा, और आज हमारी एंगेजमेंट को हुआ है पूरा 1 ईयर कंप्लीट। पता नहीं मेरे पतिदेव को याद भी है या नहीं है, चलो जल्दी से उनको याद दिलाते हैं, उनको उठाते हैं। जाना आपको याद है आज के दिन आप बहुत लेट आए थे। हैप्पी एंगेजमेंट डे जाना अब जल्दी से उठ जाओ, एंगेजमेंट में आज भी लेट हो जाओगे वरना। अभी उठ जाऊंगा। अभी उठोगे? वैसे आपको याद नहीं था ना कल से? मुझे सब याद रहता है, मोस्टली गर्ल्स को सब याद रहता है। चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं भी जा रही हूँ। अरे लो ना, मैं क्या मना कर रही हूँ? ये क्या हो रहा है? अच्छा ले लो। सो हे गाइस, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी हो रहा है दोपहर की 11 बजे का टाइम हो रहा है, और देखो मेरे रूम की हालत, क्योंकि अभी चल रही है तैयारी। और देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि दिख रहा है, हाँ ये देखो मैं बना रही हूँ अपनी हेयर स्टाइल, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ करवा चौथ मेकअप लुक शेयर। तो ये आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेगा, यूट्यूब पे भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन शॉर्ट्स रील में आपके लिए जो इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो जल्दी से इंस्टाग्राम पे, और ये करवा चौथ लुक आपके लिए इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलेगा। तो अभी उसी की चल रही है तैयारी, साड़ी मैंने निकाल ली है, तो बस साड़ी निकालने के बाद ये सारी तैयारी जो है, थाली वगैरह निकालना, मेकअप की चीज़ें निकालना है, गजरा वगैरह वो सब कुछ निकाल दिया है, मेकअप का सामान भी निकाल के रख दिया है जो जो यूज में करना है अभी, तो ये सारे काम हो चुके हैं, साथ साथ में मुझे घर के भी काम करने। तो गाइस इस साड़ी से हम करने वाले हैं अपना करवा चौथ का मेकअप लुक। इसका ब्लाउज नहीं है बट मैंने इससे मैचिंग का इसका ब्लाउज निकाल लिया है येलो एंड पिंक कलर में, तो बस इसको मैच करके इसकी करते हैं तैयारी। हमारे करवा चौथ की थाली हमारी ये रही जो मैं लेके आई थी मार्केट से, दीपक वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ, वो भी आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, तो बस इसकी देखते हैं। और देखो मुझे एक पार्सल रिसीव हो चुका है जो मैं इसमें पहनने वाली हूँ, चलो जल्दी से आपको दिखाती हूँ इसका मैं किसमें कैसा वाला नेकलेस निकला है, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा निकला है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसको लगा देते हैं स्टैंड पे जिससे हमें आसानी रहे आपको दिखाने में। तो गाइस जल्दी से दिखाते हैं आपके लिए इसको ओपन करके, और मैं आज इसको पहनने वाली हूँ, इसी को पहनने वाली हूँ आज मैं अपने करवा चौथ के लुक में। और बहुत ही जल्द आपके लिए एक लुक और आने वाला है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपके लिए कौन सा लुक आने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस ये है नेकलेस इसमें जो मैं यूज करने वाली हूँ, ये फ्लिपकार्ट का है, तो ये पार्सल मुझे कल रिसीव हो गया था पर मैंने इसको आज ओपन किया है, चलो आपको दिखाते हैं जल्दी से। वैसे मैंने इसको ओपन करके देख लिया, आपको बता दूं मैं जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इस ऐसे वाले जिससे पैकेजिंग में इसको मुझे रिसीव हुआ है, इसको हटाते हैं जल्दी से और फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको हटाया साइड में और देखो आप, थोड़ा सा आइडिया तो आपको हो ही गया होगा
तो चलो आपको पूरा इसे ओपन करके दिखाते हैं जल्दी से। गाइस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप जो इसमें बना हुआ है ना आप लोग देख सकते हैं और आप लोग गैस कर सकते हैं कि इसमें क्या बना हुआ है। तो इसमें कृष्ण जी और राधा जी दोनों बनाए हुए हैं और मैं इसको ओपन करके अब आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये नेकलेस आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर, ना डार्क है ना लाइट है, एकदम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इयर रिंग की बात करें तो इयर रिंग में भी इसमें कृष्ण जी और राधा जी दोनों ही बने हुए हैं इसमें। तो मैं काफ़ी क्लोज से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको आसानी से ये देखने के लिए मिल जाए। और अभी पहनने वाली बात रही ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको पहनने, मतलब वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जी। और प्राइस की बात करें स्क्रीन पर इसको मेंशन हो जाएगा आपके लिए इसका। अभी ना मैं इसको बस आपको लगा के दिखा दे रही हूँ और जो फाइनल लुक इसका रहने वाला है वो आपको बहुत जल्द वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने लुक में इसको ही पहनने वाली हूँ। तो ये देखो इतना ज़्यादा प्यारा। एक चीज़ और है गाइस इसमें ना आपके लिए, जो जिस चीज़ है ना पता नहीं मतलब क्या है, मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ माई क्या चीज़ है, ये मेटल है क्या है कुछ पता नहीं है, पर ऐसा मुझे इसको देख के लग रहा है ना ही ये ब्लैक होगा ना ही ये वाइट होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रही हूँ इसको देखने के बाद कि शायद ये ऐसा नहीं होगा। तो और मैं आपको बाद में अगर इसका रिव्यू देना होगा बाद में दूंगी इसका, बाकी का मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला है। तो गाइस अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलने वाला है 375 रुपीज़ का। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं इसको देख। तो इयर रिंग तो मैंने आपको दिखाई दिए जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। तो बस अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। खैर अभी आपको करवा चौथ पे तो शायद ही ये पहनने को नहीं मिल पाएगा, मैं तो अभी इसका लुक शेयर कर रही हूँ। और अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, आप दिवाली में पहन सकते हैं, किसी में भी पहन सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके ऑर्डर कर लेना आप लोग भी और आप लोग भी पहन सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से करते हैं अपना मेकअप लुक शेयर आपसे। तो ये रहा मेरा, जो मेरा नेकलेस का था वो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी का मैं अभी आपको दिखाती रहूँगी मैं आगे आगे क्या पहनने वाली हूँ अपने इस लुक में। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ जल्दी से। गाइज वीडियो की तैयारी करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि मेरे लंच का टाइम हो गया था। तो टाइम हो रहा था अभी 11:30 बजे का और मुझे करनी है लंच की तैयारी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं लंच की तैयारी करके रख दे रही हूँ, उसके बाद में मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए बैठूंगी। तो साथ साथ घर का काम भी रहता है हमारे लिए। तो बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ वीडियो शूट करते हैं, बट नहीं, ये रियलिटी नहीं है। हम वीडियो के साथ साथ हम अपने घर का काम भी करते हैं, तो दोनों काम हम मैनेज करते हैं। बच्चे रहता है जिस टाइम पे हमारे मतलब रेस्ट करने का टाइम होता है हम उस टाइम पे ही वीडियो शूट कर लेते हैं। तो गाइस अभी तक ना माने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा सफाई कर रही थी तो इसलिए वो काफ़ी लेट हो गई। तो मैं सबसे पहले तैयारी मतलब लंच की तैयारी बाद में करूँगी, पहले मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट मालूम थोड़ा सा दे दूंगी उनके लिए जिससे वो पहले खा लें, उसके बाद मैं जो मेरा बाकी का काम रहेगा वो अपना मैं ख़त्म कर लूँगी। तो मैं उनके लिए दे रही हूँ खाना जा सके जिससे वो जल्दी से खाना खा लें, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका है फिर वो बीमार हो जाती हैं। तो ये खाना मैंने अपनी सासू माँ के लिए दिया, उसके बाद में मैं आ गई। मैं ना अभी अपने जस्ट अपने रूम में आ गई हूँ और मेरे अभी ना टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरा पूरा सामान ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। और अभी हमारी लंच की भी तैयारी का टाइम हो गया है, अभी क्योंकि हो गया 12:30 बज चुके हैं। एक्चुअली ना माँ थोड़ा सा लेट हुए क्योंकि उन्होंने दिवाली की सफाई वगैरह करी थी, तो वो आज ना मतलब आज ब्रेकफास्ट करने में भी इतना लेट हुए कि उनके लिए 12:00 बज गए, तो काफ़ी लेट हो गई थी वो आज ही खाना खाने में। तो उनका अभी हुआ है तो उसके बाद में करनी है हमें लंच की तैयारी। तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको देखूं या पहले लंच की तैयारी करूं। तो मैं आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली, बस मैं खिचड़ी बनाने वाली हूं, तो बस वही बनाऊंगी आज खिचड़ी खाने में। और इसको अभी रखती हूँ मैं थोड़ा सा हटा के, क्योंकि अब जो लुक रहेगा ना वो वाला जो मैंने प्लान किया है मैं अब उसको करूँगी 3 बजे से स्टार्ट करना। तो मैं 3 बजे से स्टार्ट करूंगी एंड गाइस वो आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए, क्योंकि वो लुक का ही पूरा वीडियो रहने वाला है एंड बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें रहने वाली है उस वीडियो में आपके लिए देखने के लिए। जिन लोगों में बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता वो वाला मेकअप उसमें शेयर किया जा रहा है उसमें,
जो बिगनर रहते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है एंड करवा चौथ पे वो लोग भी अच्छा दिखना चाहते हैं, और बहुत सारे चीज लोग ऐसे होते हैं जिन पे बहुत कम मेकअप होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे पास कोई ज़्यादा मेकअप नहीं था पहले, तो बस उन्हीं के लिए मैंने चीज़ें मतलब मेकअप लुक मैं उनके लिए करने वाली हूँ। दो चार चीज़ें छोटी चीज़ें मैंने उसमें आपके लिए शेयर की है। आई मीन आपके पास अगर दो चार चीज़ें हो ना तो आप कैसे उनके लिए यूज करके पूरा मेकअप कर सकते हो। तो हम वैसे होता है ना कि हम लिपस्टिक के लिए भी आंखों पे लगा के मतलब आई शेडो बना सकते हैं, तो ऐसे ही आइडियाज आपके लिए रहने वाले हैं उस वीडियो में। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज ऐसे होंगे जो आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक मेकअप लुक के लिए लेके आई हूँ ये वाला हेयर सीरीज जो मैं उसमें यूज करने वाली हूँ, एंड ये वाला गजरा। तो अभी रियल वाला तो हम यूज नहीं कर रहे, रियल वाला मैं करवा चौथ वाले दिन ही यूज करूंगी। तो इसको यूज करने वाले हैं, एंड ये करने वाले हैं हम, इसको यूज करने वाले हैं अपने करवा चौथ के मेकअप के लिए। एंड गाइस, और हम जो मेकअप में यूज करने वाले हैं वो ये वाला, जो अभी इसका ये वाला हम लोशन यूज करने वाले हैं। इसमें से फिट मी से फाउंडेशन में फिट मी, एंड मेरे पास एक दूसरा वाला है, ये है मेरे पास लोरियल का। तो मैं इसमें से कोई सा भी यूज कर लूँगी, जैसा भी मतलब रहेगा। तो ये अपनी बॉडी स्किन के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो इस मतलब कोई भी मैं इसमें से यूज कर लूँगी इसमें से। एंड वैसे तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कुछ ऐसा वाइट टोन वगैरह जो रहती है, फेयर लवली पॉन्स वगैरह जो लोग यूज करते हैं उनके साथ भी कुछ चीज़ें यूज करूँ, बट मैं करके बताऊँगी। अभी मैं थोड़ी ये चीज़ें तो मैं यूज करूँगी इसमें, एंड करने वाली हूँ लिपस्टिक, ये वाली मैं लिपस्टिक इसमें यूज करने वाली हूँ। तो ये वाली लिपस्टिक इसमें यूज करेंगे, एंड करेंगे मस्कारा जो मेरा रहने वाला है ये वाला, तो मैं ये वाला मस्कारा इसमें यूज करने वाली हूँ। और काजल भी मैं यही वाला इसका यूज करने वाली हूँ। ये मुझे कॉम्बो में मिले थे, तीन चीज़ें मुझे इसमें कॉम्बो में मिली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखो गाइस, ये है मैग्नेट का, तो ये मुझे कॉम्बो में मिला है। गाइस इतना ज़्यादा अच्छा है ना ये, सच में बिलीव मी ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना गाइस। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मस्कारा ओनली आपके लिए मिलने वाला है 450 रुपीज़ का, और जो ये मुझे तीनों कॉम्बो में मिले हैं सच में इतने ज़्यादा कम है मुझे मिल गए हैं। तो ये मुझे मिले हैं 650 रुपीज़ में ओनली। तो ये मैंने अभी ऑफर में लिए थे, तो इस आई मीन पर्पल से लिए थे मैंने, तो ये मैंने कॉम्बो में लिए हैं तीनों, तो ये मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए मुझे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मस्कारा मोस्टली रहता है कि अगर फेस वॉश करो तो वो पूरा फेस को ब्लैक कर देता है, बट इसमें इतना अच्छा है कि ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करता है। मेरा एक मस्कारा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था जो मेरी शादी का है, बट वो ब्लैक कर देता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये आपके लिए ऐसा कुछ नहीं करने वाला कि आपके फेस को ब्लैक कर दे, बस यही चीज़ मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। एंड इसमें से बस मैं चीज़ें निकाल निकाल के रख रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज करूँगी। ये सारी चीज़ें तो नहीं करने वाली हूँ, बट मैं ये जो निकाल के रख रही हूँ बस मैं यही चीज़ें यूज करने वाली। अभी देखते हैं हम इसमें से कि हमारे यूज में क्या क्या आ सकता है। हाँ, हम इसको निकाल लेते हैं, ये है सिंदूर, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये भी हमारे यूज में आने वाला है इस मेकअप लुक में। नेकलेस तो हो ही गया, जो इसको रख देते हैं हम साइड में, इसको भी हम निकाल के एकदम साइड में रख देते हैं। अब रह गए इसमें बिंदियाँ, तो बिंदियाँ मैं लगाने वाली हूँ कुछ अलग से। इस बार मैं लगाऊंगी इस लुक में ये वाली बिंदी। तो गाइस ये ना बहुत ही ज़्यादा अलग लगी थी मुझे, तो मैं इसलिए ये वाली बिंदी लेके आई हूँ अभी। गाइस इस बिंदी में जो खास बात है ना वो ये है कि इस बिंदी को मतलब जब भी हम कोई डबल कलर की बिंदी यूज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि हम दो बिंदियां लगाते हैं। मैं लगाती हूँ डबल बिंदी, मतलब डबल कलर अगर मेरी शादी साड़ी में है तो मैं डबल कलर की बिंदी लगाती हूँ उसमें, तो दो बिंदियां मुझे यूज करनी पड़ती है। उसके लिए मुझे मिला ये वाला आइडिया जिसमें एक ही बिंदी में दो कलर हैं, तो मैं चेंज करके अभी आपको इस पे सूट पे मैचिंग करके दिखाती हूँ कि कैसी लगने वाली है। तो मैं अपने निकालती हूँ अपने सूट की मैचिंग वाली बिंदी। तो इसमें पता है डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू, तो नेवी ब्लू एंड स्काई ब्लू दोनों कलर की बिंदी रहने वाली है। देखो आप लोग, तो ये आपको दोनों कलर की बिंदी इसमें मिलने वाली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मली प्राइस में भी मुझे मिल गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैंने कहा मेरे पास जरूर होनी चाहिए ये वाली बिंदी। तो जो बाकी की चीज़ें हैं बस वो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उनके लिए भी कंप्लीट करके रखते हैं, क्योंकि बाद में रहता है ना कि जब भी मेकअप आप लोगों से भी बात करनी होती है और सामान को भी बताना पड़ता है, तो मैं कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ, तो इसलिए सोचना पड़ता है कि जल्दी से मैं मेकअप को सारी चीज़ों को रख दूँ, और जो बाकी का एक्स्ट्रा सामान है वो मैं उनको हटा के रख दे रही हूँ उनके लिए। तो ये सब करने के बाद, और अभी टाइम हो रहा है
हाँ यार, 1 बजने वाला है तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को ना मैं यही एंड करने वाली हूँ अभी। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही आपको मिलेगा अब न्यू लुक देखने के लिए। तो न्यू लुक वही रहने वाला है आपके लिए। गाइस मेरा मोस्टली काम हो चुका है खत्म, अब इसको करते हैं जल्दी से क्लोज और आपको ये सब कुछ मिलेगा न्यू ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी मिलने वाली है और मेकअप लुक की वीडियो तो इसके बाद आपके लिए मिलेगी देखने के लिए। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल आपके लिए। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जल्दी से मेकअप लुक आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो बाय बाय।